बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड फोर। ओपन योर बुक स्मार्ट साइंस एट पेज नंबर 43। थर्मोमीटर। आज हम थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अ थर्मोमीटर। वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? थर्मोमीटर कहते हैं। There are three types of thermometer which are commonly used: digital thermometer, mercury thermometer and alcohol thermometer. वो बताता है कि जो thermometer हम use करते हैं उसकी तीन types हैं: digital thermometer, mercury thermometer और alcohol thermometer. ये आप figure में भी देख सकते हैं। पहले हम पढ़ते हैं digital thermometer. A digital thermometer is battery operated thermometer and easy to read. जो डिजिटल थर्मोमीटर होता है इसको हम बैटरी से ऑपरेट करते हैं, यानी हम जो सेल हैं वो डालते हैं इसके अंदर और इसको जो है पढ़ना, इससे टेम्परेचर का पता लगाना ज़्यादा आसान है। इट हैज़ अ टेम्परेचर मेजरिंग सेंसर। इसके अंदर एक सेंसर लगा होता है जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है, विच गिव्स अ वेरी एक्यूरेट टेम्परेचर रीडिंग ऑन एन LCD। ठीक है, इसके ऊपर LCD है, आप देख सकते हैं फिगर 7.5 में डिजिटल थर्मोमीटर। इसके ऊपर एक LCD लगी हुई है जो कि हमें बिल्कुल एक्यूरेट टेम्परेचर बताती है। ठीक है, उसके बाद है मर्करी थर्मोमीटर। अ मर्करी थर्मोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर एंड इज़ आल्सो कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो मर्करी थर्मोमीटर है ये बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है और इसको इसका सेकेंड नेम क्या है? क्लिनिकल थर्मोमीटर। मर्करी थर्मोमीटर को हम क्लिनिकल थर्मोमीटर भी कहते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। ये आपने याद करना है कि एक नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या फिर 98.6 फॉरेनहाइट होता है। ठीक है, ये आपको MCQs की शेप में आ सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकता है। इट इज़ कॉल्ड अ मर्करी थर्मोमीटर बिकॉज इट हैज़ मर्करी इनसाइड। इसको क्यों मर्करी थर्मोमीटर कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर मर्करी है जो है वो फिल किया होता है जो कि टेम्परेचर मेजर करने में हमारी हेल्प करता है। द मर्करी राइजेज एज द हीट फ्रॉम द बॉडी इज ट्रांसफर टू द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर। वो बताता है कि जब हम थर्मोमीटर जो है उसका जो बल्ब है जो ग्लास से बना हुआ है, आप फिगर 7.5 में सेकेंड फिगर मर्करी थर्मोमीटर आप देख सकते हैं, जो ग्लास का बल्ब है जब वो हम बॉडी के साथ लगाते हैं जिस भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है। ठीक है, जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है जो मर्करी है वो राइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जहाँ पर जाकर मर्करी रुकता है वो उस बॉडी का टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग द मर्करी शोज़ द टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस। वो कहता है कि इसकी एग्जाम्पल क्या है, जब आइस जो है वो मेल्ट होती है तो मर्करी जो है वो अपना टेम्परेचर 0 शो करता है। द मर्करी कॉलम राइजेज एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेज। जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो मर्करी का कॉलम जो है मर्करी भी राइज होना शुरू हो जाता है, ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। एंड इट शोज़ अ रीडिंग ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस व्हेन वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। और इसका जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस शो होता है जब पानी जो है बॉयल होना शुरू हो जाता है। इस तरह से मर्करी थर्मोमीटर, उसके अंदर मर्करी होता है, वो हमें हेल्प करता है किस चीज़ में? टेम्परेचर को मेजर करने में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ अल्कोहल थर्मोमीटर। दिस टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर इन वेरी कोल्ड रीजन्स। जो बहुत ज़्यादा बेटा ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर अल्कोहल थर्मोमीटर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। व्हेन द वेदर इज़ हॉट द अल्कोहल इन द बल्ब एक्सपेंड्स एंड राइजेज इन द ट्यूब। जब जो है मौसम गर्म होता है तो क्या होता है, ट्यूब के अंदर अल्कोहल है वो एक्सपेंड करती है और ट्यूब के अंदर ही ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाती है। जैसा कि हमने मर्करी में पढ़ा था, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो मर्करी ऊपर की तरफ मूव करता है, इसी तरह जब हमारा वेदर हॉट होता है तो जो अल्कोहल है ट्यूब के अंदर वो ऊपर की तरफ राइज होना शुरू हो जाती है। इसी तरह बेटा जब वेदर कोल्ड होता है तब क्या होता है, द अल्कोहल इन द ग्लास ट्यूब कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फॉल्स। जो अल्कोहल है ग्लास ट्यूब के अंदर वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है और वो पहले राइज की थी जब टेम्परेचर हॉट था, वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जहाँ पर आकर रुकती है वहाँ से हमें पता चल जाता है कि इस वेदर जो है इसका कितने डिग्री पे है आज। मार्क्स आर मेड ऑन द थर्मोमीटर टू नोट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस। ठीक है, उस थर्मोमीटर के ऊपर उन्होंने मार्क किया होता है और जिससे हमें पता चल जाता है, रीडिंग पता चल जाती है कि कितना टेम्परेचर है हमारे वेदर का, हमारे एटमॉस्फेयर का, सराउंडिंग का। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बेटा सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर्स किसे कहते हैं? एहतियाती तदाबीर हमें जो करनी चाहिए। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड नेचुरल गैस एवरी डे। हम बिजली और जो गैस है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। बट नोइंग वॉट टू डू इन एन एमरजेंसी और एक्सीडेंट कैन सेव अस एंड अदर्स। लेकिन वो कहते हैं हमें पता होना चाहिए कि एमरजेंसी में या एक्सीडेंट कोई भी हमारे साथ मिसहैप हो जाता है, कोई भी हमारे साथ इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने आप को बचाने के लिए क्या करना है। लर्न वॉट टू डू इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। अगर आपको बिजली का झटका लगता है आपको पता होना चाहिए आपने क्या करना है, और फायर या फिर आग लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार ऐसा होता है हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो आग लग जाती है, ठीक है। और वॉट टू डू वैन यू स्मेल नेचुरल गैस, या फिर आपको अगर गैस की अपने किचन में से या फिर अगर आप हीटर उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं गैस पे स्मेल आ रही है तो आपको चेक करना चाहिए कि क्या गैस जो है वो लीक तो नहीं हो रही। रिमेंबर ऑलवेज टेल एन अडल्ट बिफोर यू डू एनीथिंग इन सच अ सिचुएशन। कुछ भी करने से पहले, ठीक है, आपको सबसे पहले अपने बड़ों को बताना चाहिए। डिस्प्ले लिस्ट ऑफ एमरजेंसी टेलीफोन नंबर्स इन योर स्कूल एंड एट होम। अपने घर में और स्कूल में जो एमरजेंसी टेलीफोन नंबर्स होते हैं जैसा कि पुलिस का या फिर फायर ब्रिगेड्स का, इनका जो नंबर होते हैं आप इनकी लिस्ट जो है वो चस्पा करें, इनको लगाएं, पेस्ट करें ताकि एमरजेंसी सिचुएशन में आप फौरी तौर पर वहाँ से देखकर नंबर डायल कर सकें, ठीक है। थिंग्स टू रिमेंबर वाइल यूजिंग अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को इस्तेमाल करते हुए आपको क्या चीज़ें याद रखनी हैं? फर्स्ट इज़ डू नॉट प्ले विद थर्मोमीटर्स। आपने थर्मोमीटर से खेलना नहीं है। ओनली एडल्ट शुड हैंडल देम। सिर्फ जो बड़े हैं वही इससे डील कर सकते हैं, वही इसको हैंडल कर सकते हैं, वही जो है टेम्परेचर आपका चेक करेंगे। सेकेंड इज़ डू नॉट टच द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के बल्ब को आपने टच नहीं करना, वो नाजुक होता है, वो ग्लास का बना होता है, वो टूट सकता है। द थर्मोमीटर शुड बी केप्ट अपराइट एंड नॉट टिल्टेड। थर्मोमीटर जो है उसको आपने हमेशा सीधा रखना है, उसको उल्टा नहीं करना, टेढ़ा जो है वो उसको नहीं करना, इस तरह से वो फिर सही रीडिंग नहीं देगा। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की रीडिंग जो है वो मुकम्मल हो गई है। आपने इसे अच्छे से रीड करना है और जो भी इसमें क्यूरी हो वो आप पूछ सकते हैं, और इसकी एक्सरसाइज की जो पिक्चर्स हैं वो आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।